हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQOO Neo 7 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है टच वाइब्रेशन सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है ना डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड एंड वाइब्रेशन पर सिलेक्ट करना है। अब साउंड एंड वाइब्रेशन के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा टच वाइब्रेशन, ठीक है। टच वाइब्रेशन इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दिया हुआ है, इस बटन को आपको टैप करना है, ठीक है। तो ये बटन आपका जो है ब्लैक कलर में इस तरीके से ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी टच वाइब्रेशन सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है ना डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप अपने मोबाइल फ़ोन के किसी भी पेज पर या फिर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर होंगे ना, तो अगर आप किसी भी ऑप्शन को या किसी भी बटन को आप टच करेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करेगी आपकी डिसेबल होने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप ना ये टच वाइब्रेशन सेटिंग को आप अपने मोबाइल फ़ोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज है ना, इसको आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन, इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है टच वाइब्रेशन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है आप यहाँ पे पूरा टाइप कीजिए इस तरीके से, तो आपको नीचे की साइड ना ये ऑप्शन शो हो जाएगा टच वाइब्रेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको ना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये नीचे की साइड ऑप्शन शो हो जाता है इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फ़ोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में आपको लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फ़ोन में।